Hi guys, this is Manmohan Gupta talking to you on this video about the new education policy that was announced few days back. तो गाइस मैं इस वाले वीडियो में स्पेसिफिकली बात करूंगा कि स्कूल का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्कूल के बारे में जो चेंजेस हैं उनकी मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा। तो गाइस आपको अगर मेरे स्टूडेंट हैं तो आपको पता ही होगा, मैं तो हमेशा कब से कह रहा हूँ कि यार हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी पुराना और धक्के अनुसी है और पता नहीं कब डिज़ाइन हुआ था और इतनी पुरानी चीज़ें हैं, हम क्यों नहीं बदलते। और क्योंकि हमने देखा है बाकी कंट्रीज़ में चीज़ें बदल गई हैं, चीज़ें नए स्टाइल से होती हैं, लेकिन हम पुरानी चीज़ों को ही चलाते आ रहे थे जो सालों पहले डिज़ाइन हुई थी। तो गैज़ ये अच्छी न्यूज़ है कि हमारे हमारी मतलब एजुकेशन पीपल हु डिसाइड द थिंग्स एजुकेशन मिनिस्ट्री में, तो दे यू नो नोटिस दैट थिंग्स शुड बी चेंज और वो एक चेंज अनाउंस हुआ है। ठीक है, इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगेगा बट एटलीस्ट यू नो दे हैव द इंटेंशन ऑफ चेंजिंग द सिस्टम ऑल टुगेदर। तो मैं ब्रीफ मैं बताना चाहूँगा कि क्या इस में चेंजेस आए हैं और कैसे इम्पैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स को गोइंग फॉरवर्ड। तो जैसे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको हम NEP कह रहे हैं, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन शॉर्ट NEP 2020। तो अभी जो चेंजेस अनाउंस हुए हैं वो समझो आप 34 ईयर्स के बाद चेंजेस आए हैं। उससे पहले सिस्टम जब बना था वो 34 ईयर्स पहले बना था और अब नया सिस्टम की बात हो रही है। सो अब तक सिस्टम में जो हमने देखा ही है, बच्चों को हमेशा हम कहते थे कि यार ये याद कर लो, उसको रट्टा मार लो, क्रैमिंग कर लो, कि प्रैक्टिकल नॉलेज प्रैक्टिकल सिखाने का तरीका नहीं था। आई वुड से मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में, हो सकता है कुछ प्राइवेट स्कूलों में होगा, बट सिस्टम में चीज़ें चली हुई हैं कि आपके नोट्स हैं, टीचर ने बता दिया आप इसको याद कर लो, लेकिन उसको फोकस नहीं था कि प्रैक्टिकलिटी क्या होगी, या प्रैक्टिकल चीज़ें कराना, या वर्कशॉप्स कराना, प्रोजेक्ट्स कराना यंगर क्लासेस के अंदर कि बच्चों को फील आए। लेकिन अब ये है सिस्टम में चीज़ें चेंजेस हुई हैं, ये मैं इंक्रीज स्ट्रेस ऑन स्कूल किड्स, कि स्कूल किड्स की एक अपनी एक क्रिएटिविटी होती है, वो उनका एक अपना इंटरेस्ट है, उनकी एक इंक्लिनेशन है, वो कई बार वो मर जाती है क्रिएटिविटी अगर हम बच्चों को एक वो मतलब डिफाइंड सिस्टम में डाल देते हैं। स्ट्रेस पढ़ाई का, पढ़ाई एक हमेशा बोझ हमारे बच्चों को लगती है, ये पक्का है। जो यू नो आई एम श्योर कि जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए तो है ही स्ट्रेस, लेकिन स्कूल में शुरू से ही, मैं स्मार्ट बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्लास में एवरेज से लेके जो उसके नीचे बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, कि कितना उनको हमेशा एक पढ़ाई का होता है कि यार मतलब करना है, एक वो पढ़ाई में मजा आना, एक नंबर नहीं आ रहे वो ठीक है, लेकिन पढ़ाई स्ट्रेस बन जाती है। उसके बगैर भी पॉसिबल है कि नंबर नहीं आ रहे हैं तब भी बच्चों को मजा आ सकता है। ऐसे बहुत से काम हैं, हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, म्यूजिक बजाते हैं, मतलब सीखते हैं बच्चे, तो उन लोगों के बार वो दे नॉट द बेस्ट सिंगर, दे नॉट द बेस्ट स्पोर्ट्समैन, दे नेवर दे नॉट दिस नॉट लाइक ऑलवेज दे विन, कि हमेशा जीतेंगे, लेकिन उनको तभी खेलने में मजा आता है। तो ये पढ़ाई में भी तो हो सकता है कि हम पढ़ के भी, हम अगर अच्छे नंबर नहीं भी ले रहा है बच्चा, चीज़ें उसको एक क्रिस्टल क्लियर नहीं भी समझ आ रही हैं, लेकिन तब भी उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट है। तो ये सिस्टम मुझे लगता है उसकी तरफ इंक्लाइन होगा ये। और अभी जैसे देखें कि अगर आप हायर क्लासेस में आते हैं तो सबसे थकियन उसी सिस्टम था, जो कि मतलब यू नो कि हमारे बाकी कंट्रीज में नहीं है सिस्टम ये, कि यहाँ पे क्या जी आपने, आप क्या लोग हैं, स्टूडेंट्स को वहीं स्टीरियोटाइप कर देते हैं हमेशा कि आपने या तो आर्ट्स में जाना है, या कॉमर्स में जाना है, या साइंस में जाना है, ये डिसाइड कर लो। अब मैं क्यों नहीं, मैं अगर साइंस का स्टूडेंट हूँ, मुझे इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, मैं क्यों कोर्स नहीं कर सकता, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, या मतलब कुछ और, मुझे एक बार कॉमर्स का कुछ कोर्स देखना है, मुझे यू नो चीज़ें मिक्स करनी है, मुझे कंप्यूटर साइंस लेना है, मैं आर्ट्स पे हूँ, व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम। यहाँ पे कितने सारे कॉलेज में कोर्सेज हैं जो कि अदर कंट्रीज के अंदर वो आर्ट्स के बच्चे कंप्यूटर साइंस भी करते हैं, कोई कोई सेंस मतलब, इट्स अप टू योर इंटरेस्ट कि आपका इंटरेस्ट क्या है। तो ये अब तक के सिस्टम में जो प्रॉब्लम थी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने ये चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश कर रही है, और बहुत ही मतलब अच्छा स्टेप लेने का, मतलब जब इम्प्लीमेंट होंगी बहुत ही अच्छा मतलब काम हो रहा है ये, मैं कहूँगा कि रियली अप्रिशिएट कि जो होना चाहिए था अब हो रहा है, वो इट मेक सेंस। तो अभी तक हमारा, मैं जैसे हमारा अभी सिस्टम क्या है स्कूलिंग का, कि 10+2 कहते हैं भाई, 10th है उसके बाद फिर +2 हो गया तुम्हारा, 11th 12th हो गया। तो जैसे बाकी कंट्रीज़ में होता है वो स्कूल्स के पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी स्कूल है ना, फिर वो मिडिल स्कूल कहते हैं, फिर हाई स्कूल कहते हैं, इस तरह से उनका उन्होंने डिवाइड किया है। इवन स्कूल्स भी अलग होते हैं काफ़ी कंट्रीज़ में,
कि प्राइमरी स्कूल की बुली बुली ना हो, या मतलब प्रेशर ना हो, या स्कूल में बहुत ज़्यादा बच्चे हों तो खिचड़ी ना पक जाए, तो एटलीस्ट हमारे सिस्टम ने भी वो 10+2 वाला हटा के सिस्टम अब पार्ट्स बना दिए हैं कि पहला स्टेज है 5 ईयर्स, जो यहाँ पे मैंने देख सकते हैं 10+2 इज़ रिप्लेस बाय 5+3+3+4। तो ये 5 ईयर्स जो एजेस हैं वो बिल्कुल जब बच्चा प्राइमरी एजुकेशन ले रहा है, वो प्राइमरी स्कूल या प्राइमरी एजुकेशन ले रहा है, उसके ईयर्स हैं प्री नर्सरी, नर्सरी, किंडरगार्टन, फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड। ये जो 5 साल हैं वो उनको वो कह रहे हैं कि आपकी प्री प्री यू नो प्री मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन वो कह रहे हैं उसको, राइट। और उसके बाद जो नेक्स्ट 3 ईयर्स की बात हो रही है, यहाँ पे नंबर 3 देख रहे हैं, ये हो गया आपका थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड एंड फिफ्थ ग्रेड। ये ख़त्म हो जाएगा, ये फेज़ 2 ख़त्म हो गया। एंड देन नेक्स्ट 3 ईयर्स आपके आ रहे हैं ये सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, राइट। और ये लास्ट के 4 पार्ट का ग्रुप बनाया है, जैसे अमेरिका में हर स्कूल में ये लास्ट के 4 पार्ट जो हाई स्कूल कहते हैं, बिल्कुल अब सिस्टम देखो वही सिस्टम है जो बाकी कंट्रीज ने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। जैसे अमेरिका में 4 साल किया, 9th, 10th, 11th, 12th, जिसको हाई स्कूल कहते हैं, और ये जो 3 हमारा हम जो 6, 7, 8 कहते हैं, वो यहाँ पे कहते हैं इसको क्या कहते हैं, मिडिल स्कूल है, और उससे पहले एलिमेंट्री स्कूल होता है, उसके भी 2 पार्ट कर दिए इन्होंने, राइट। क्योंकि यहाँ पे प्री नर्सरी से शुरू करा हुआ है इसलिए, तो यहाँ पे अब आइडिया स्टेजेस में डिवाइड करने का, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अर्ली स्टेज में मैं उतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा कि लोकल लैंग्वेजेस, लोकल डायलेक्ट में भी पढ़ाया जा सकता है अर्ली स्टेज के अंदर, एटलीस्ट बच्चा अपना अपनी लैंग्वेज अपना कल्चर भी सीखे यहाँ पे पहली मतलब ये फर्स्ट स्टेज में या सेकेंड स्टेज तक भी। और ये जो लास्ट की 2 स्टेज हैं जहाँ पे इट मैटर्स कि जो मतलब आप साइंस सीखना चाहते हो, आप मतलब अब मैथमेटिक्स सीखना चाहते हो, सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है, तो यहाँ पे लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस भी आएगी, विच इज़ यू नो द लैंग्वेज में इफ इट इज़ इंग्लिश इट्स यू नो लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड आई वुड से। तो लेकिन इससे पहले इतना मैटर नहीं करता बच्चे को अपना कल्चर, तो ये फेजेस मल्टीपल फेजेस डिवाइड करने से आप जो एजुकेशन सिस्टम को आप ब्रेक डाउन कर सकते हो बेस्ड ऑन कौन सी स्टेज ऑफ द स्कूल में हो आप। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग दैट हैज़ हैपन्ड, और इसके अराउंड आप प्लानिंग चलेगी। तो अभी क्या है कि राइट ऑफ एजुकेशन में जो पुरानी पॉलिसी में था कि अगर कोई किड 5 to 14 ईयर्स ऑफ एज में है तो उसको राइट ऑफ एजुकेशन है कि उसको मतलब एजुकेशन मिलनी चाहिए, ये साल बढ़ा दिए हैं 14 के 18 कर दिए हैं कि एटलीस्ट मतलब 18 से है कि भाई एजुकेशन 18 का हो रहा है तो एटलीस्ट कुछ वो ऐसी चीज़ सीख सकता है जिससे वो जॉब करने के जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये 18 बहुत अच्छा किया है 14 से, 14 वाली एजुकेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा काम नहीं आती, अगर आपने जॉब करनी है तो अच्छी जॉब नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पाती जो जो 14 ईयर्स ऑफ एज से 18 ईयर्स में है ये। तो ये 18 ईयर्स का बहुत अच्छा चेंज किया है, उसको 5 को भी 3 कर दिया और एक्सपेंड कर दिया है कि छोटे बच्चों को स्कूल जाने का एक मतलब वो हो कि वो भी स्कूल से एसोसिएट हो सकते हो। एंड देन अभी जो इंफॉर्मेशन है कि अभी अभी जैसे हम आइडिया है कि 50% ऑफ पीपल हु आर स्टडिंग दे शुड गो अप टू हायर स्कूल लेवल, राइट, हायर एजुकेशन तक भी जाएं जो नहीं जाते हैं। अभी 26% हैं जो डेटा जितना मुझे पता है। अब उसको 50% का टारगेट होगा कि 50% की जो गोल होगा कि इसमें 50% लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो स्कूल में वो कम से कम 50% ऐसे लोग जो हायर एजुकेशन तक जाएं। एंड देन दिस इज़ अगेन अ वेरी बिग चेंज गाइज, मैंने भी लास्ट वीक भी एक वीडियो रिकॉर्ड करी थी, अगर आपने देखी हो, बिफोर दिस एजुकेशन पॉलिसी केम एंड वी स्टार्टेड आवर फ्री कोर्सेस यू नो ऑन ऑन कोडिंग, आई माई सेल्फ टीचिंग पाइथन एंड वी आर स्टार्टिंग द ब्लॉक प्रोग्रामिंग कॉल विजुअल प्रोग्रामिंग फॉर स्टूडेंट्स हु आर यंगर स्टूडेंट्स हु आर इन अ सेकेंड फेज, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में जो है पाइथन आई एम टीचिंग फ्रॉम द स्टूडेंट्स फ्रॉम 6th ग्रेड to 10th ग्रेड। तो ये जो कोडिंग का जो एक कहा है कि कोडिंग मतलब कंपल्सरी डालेंगे हर स्कूल में एज अ सब्जेक्ट, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड मूव द गवर्नमेंट इज टेकिंग। और आप देखो कि अगर आप आज भी देखेंगे जो जॉब्स हैं 80 to 90% जॉब्स कंप्यूटर्स की हैं, और खाली कंप्यूटर की जब जॉब लेते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो, इवन अदर कंपनीज में भी पोजीशन ओपन हो रही हैं। कोई अगर मतलब कार बनाने की फैक्ट्री है, राइट, कार में भी आजकल आप सॉफ्टवेयर जाता है तो वहाँ भी एक सॉफ्टवेयर डिवीजन है। वो पहले हो सकता है बहुत ही छोटा डिपार्टमेंट होता होगा या सॉफ्टवेयर बनाते नहीं होंगे, थर्ड पार्टी से ले लेते होंगे, बट नाउ ऑल द कंपनीज दे हैव देयर ओन इन हाउस सॉफ्टवेयर टीम बिकॉज दे नीड सॉफ्टवेयर टू
टू रन देयर सिस्टम्स, टू रन देयर यू नो प्रोडक्ट, टू रन देयर मशीनरीज. सो नीड सॉफ्टवेयर की खाली सॉफ्टवेयर कंपनीज में नहीं बढ़ रही है, हर कंपनी में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स की नीड बढ़ रही है. और होता है क्या, जब बच्चा 11th 12th और या कॉलेज के फर्स्ट सेकेंड ईयर में जाता है, 11th 12th में जो बच्चे कोडिंग सीखते हैं उनको तो इतना वैसे भी कॉलेज जाने का प्रेशर होता है कि बिल्कुल वो उनको सीख ही नहीं पाते वो. और कॉलेज में जाके क्या होता है कि कई बार कॉलेज में जाके कॉलेज की पढ़ाई करना, जो कि बहुत डिसकनेक्टेड है हमारी कॉलेज की भी जो पढ़ाई है इंडस्ट्री से, तो बच्चों को वो जो इंटरेस्ट कोडिंग में नहीं आता है वो एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम है. जब वो जॉब में जाते हैं तो जॉब में उनको इंटरव्यू देते हैं, सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं बहुत बच्चे. ऐसा नहीं उनकी कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि उनको प्रोग्रामिंग उन्होंने ढंग से नहीं की होती है. तो इस 6 से जो कोडिंग का इनिशिएटिव, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. और कोडिंग आप देखिए, 6 में कोडिंग को 6 में ये मत मानो कि कुछ, जैसे कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि तो बच्चों को और प्रेशर बढ़ गया, ये भी सीखो कोडिंग भी सीखो. कोडिंग इज अ फन, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट्स अ फन. और वो ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती है, बच्चों को स्पोर्ट्स में डालते हैं, बच्चों को आप मतलब कुछ और एक्स्ट्रा करिकुलर हो गया, किसी को म्यूजिक में, किसी को डिबेटिंग में, किसी को यू नो सो यू पेंटिंग में, किसी को आर्ट्स में. तो अब हर जगह बच्चों को एक्सपोजर देने की कोशिश करते, कोडिंग भी वो इनिशिएटिव है जो जो लिया है गवर्नमेंट ने. और हमारा बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि हमारे जो यू नो मतलब हम जो इंडियन प्रोग्रामर्स हैं, दे आर यू नो पॉपुलर इन द होल वर्ल्ड बिकॉज दे परफॉर्म मच बेटर देन द पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज. सो उसमें अगर हम अपनी फोर्स को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं तो ये बहुत ही यू नो एक मतलब जब तक बच्चा कॉलेज जाएगा तो उसको काफ़ी कुछ आता होगा. एंड यू नो लाइक हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी बढ़ेंगे यहाँ से, कि हम बहुत कंपनियाँ नहीं बच्चे शुरू कर पाते क्योंकि वो सीख ही नहीं पाते कि अपना स्टार्टअप कर पाए. जब पहले से उनका बेस सॉलिड होगा तो विल सी मोर एंड मोर एंटरप्रेन्योरशिप इन लाइक यू नो नेक्स्ट 15-20 ईयर्स इन द कंट्री, बिकॉज वी आर पुटिंग द राइट एजुकेशन एट द राइट टाइम. सो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो यू नो हमारे इंडिया में था, कि भाई अपना बुक उठाई पढ़ा दिया और बच्चों को कह दिया याद कर लो, उस पर एग्ज़ाम हो गया. बट प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, मैं कहूँगा प्राइवेट स्कूल्स ने तब भी थोड़ा सा अपना सिस्टम मॉडिफाई कर रखा है, थोड़ा प्रोजेक्ट पे फोकस है. सारे प्राइवेट नहीं, जो थोड़े मतलब यू नो मोर अलाइन टू मे बी से मॉडर्न एजुकेशन और एजुकेशन इन अदर कंट्रीज, वो उन्होंने काफ़ी चेंज किया हुआ अपना, कि प्राइवेट, आई एम नॉट सेइंग एवरी प्राइवेट स्कूल, बट सर्टेन प्राइवेट स्कूल्स इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, उन्होंने सिस्टम थोड़ा सा पहले से बनाया हुआ था प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का. लेकिन अब ये जो एजुकेशन सिस्टम का पार्ट ही बन जाएगा कि यार बच्चों को आप प्रैक्टिकल नॉलेज, एप्लीकेशन, प्रोजेक्ट्स, इन पे फोकस करो वो थॉट प्रोसेस के अंदर. वो नहीं कि भैया बच्चे को किताबों में से पढ़ा दिया, होमवर्क दिया है, उसी के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए हैं. आई अंडरस्टैंड हर सब्जेक्ट में ऐसा नहीं हो पाएगा, बट काफ़ी हो सकता है. अदर कंट्रीज़ में मैंने देखा है और लोगों ने भी देखा है किस तरह से बच्चों को छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd ग्रेड, इनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देते हैं. यू नो फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट, मतलब आई नो अबाउट अ प्रोजेक्ट विच दे गिव इन अमेरिका, कि 3rd 4th 5th बच्चों को अपना एक पूरा टीम बना के उनको अपना पूरी एक मतलब अपना प्रोडक्ट बनाना, अपनी कंपनी बनाना. एक एक बंदा मार्केटिंग देखता है, छोटा बच्चा, एक उसको फाइनेंस देखता है, जितना भी कर सकता है बताते हैं कि बेचना, अपना स्टॉल लगाना. तो इस तरह के प्रैक्टिकल नॉलेज की कंपनी कैसे चलती है, उसमें वेरियस रोल्स क्या हो सकते हैं, क्या डिसीजन मेकिंग है, अपनी करेंसी बना के अपना सामान बेचो करेंसी कट. तो इसमें एग्जाम्पल ये, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं बच्चों को प्रैक्टिकल चीज़ों को भी एक्सपोजर कराना बच्चों का, कि किताबी नॉलेज के थ्रू नहीं, किताब की टेक्स्ट बुक की तरह नहीं, बट उसको एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बना के. तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अब ये नहीं पता कि इसकी डिटेल जब आएंगी या डिटेल में जब यू नो कि किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होगी, लेकिन बट एटलीस्ट थॉट प्रोसेस ये है जो जो हम हमें हमने मतलब इट इज़ लाइक यू नो हो सकता है बाकी कंट्रीज ने पहले इम्प्लीमेंट कर लिया हो, लेकिन अभी भी अगर हम कर लेंगे इम्प्लीमेंट तो कोई बुराई नहीं है अभी भी. बट ये चाहिए चेंज, ये सब एजुकेशन सिस्टम में चाहिए था. और दूसरा एक ये चीज़ है जो मिक्स सब्जेक्ट वाला, जो मैंने ब्रीफली मेंशन किया था, ये बहुत ही मेजर चेंज है कि आपको ये स्टीरियोटाइप बनाना है कि आर्ट्स वाला आर्ट्स करेगा, कॉमर्स वाला कॉमर्स करेगा, साइंस वाला साइंस करेगा. ये बिल्कुल ही बकवास सिस्टम है जो मिक्स करने का. जब वो हाई स्कूल में 9th 10th 11th 12th वही तभी 4 साल कर दिया, 2 साल में तो लास्ट के नहीं हो पाता था 10+2 में जो +2 था. तो ये 4 साल में बच्चा एक्सपेरिमेंट कर सकता है, अपने कोर्सेज ले सकता है, मिक्स मैच कर सकता है.
तो ये जैसे कॉलेज में होता है कि आप एक पता है कि आप ये कि आप कोई इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करूंगा कि वो वहाँ पे पता है कि आपको कंप्यूटर साइंस करा, लेकिन उसके अलावा उसको अपने डिफरेंट कोर्सेज लेने की बहुत ऑप्शन होती है। हमेशा कुछ सर्टेन कोर्सेज वो बाकी डिपार्टमेंट के भी ले सकता है, तो वो चीज़ स्कूल में हो जाएगी तो बच्चों को अपना इंटरेस्ट पता चलने का ज़्यादा वो है। अब बच्चा ले लेता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस के अंदर, कई बार वो रियलाइज़ करता है मेरा इंटरेस्ट नहीं था, और जब तक वो रियलाइज़ करता है 11th खत्म होने को हो रही होती है और ऑप्शन भी नहीं होती चेंज करने की, ड्रॉप लेने की। तो 9th से अगर हम ये शुरू करेंगे बच्चों को डिफरेंट सब्जेक्ट का एक्सपोजर, साइंस का एक टॉपिक हो गया, थोड़ा सा आर्ट्स का हो गया, थोड़ा कॉमर्स का हो गया, तो वो एक वो फील कर सकता है हर चीज़ में कि वो कोर्स या कुछ कुछ अपने उसने मिक्स यू नो अपने अपना एक पोर्टफोलियो सा बना लिया कोर्सेज का, तो वो फिर इंटरेस्ट अपना आइडेंटिफाई कर सकता है क्या है। सो बोर्ड जो है वो उसकी इंपॉर्टेंस कम कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड का एक अननेसेसरी स्ट्रेस होता है, तो और वो तभी वो विल बी 2 टाइम्स अ ईयर। अब इसमें धीरे धीरे और डिटेल आएंगी तो पता चलेगा कैसे चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं। जैसे डिटेल आएंगे मैं आपको वीडियो बना के आपको अपडेट देता रहूँगा, बट बोर्ड अभी तो ये है कि 2 टाइम्स अ ईयर हुआ करेगा और उसकी इंपॉर्टेंस कम होगी, स्ट्रेस कम होगा। एक्स्ट्रा करिकुलर जो सब्जेक्ट है वो हमेशा होता था कि हम उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आता था बच्चों को, कि वो एक्स्ट्रा था, उसकी इंपॉर्टेंस कम थी, उसके मार्क्स नहीं थे, उसकी वेटेज नहीं होती थी, लेकिन अब वो मेन सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा। जैसे बाकी कंट्रीज में लोग आर्ट्स है तो आर्ट्स में करियर बनाते हैं, तो उनको आर्ट्स की इक्वल वेटेज है जो तुम्हारी मैथ की है या साइंस की है या सोशल साइंस की है। तो यहाँ पे आर्ट तो एक्स्ट्रा करिकुलर में ही जाता था फॉर एग्जांपल, या कोई भी आर्ट हो कुछ भी ऐसी चीज़ हो वो एक्स्ट्रा करिकुलर में जा रही है, स्पोर्ट्स है तो एक्स्ट्रा करिकुलर में जा रहा है। लेकिन अब जो इस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर वाली चीज़ें हैं बच्चों का वो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो उनको मेन सब्जेक्ट की तरह वेटेज, उसको मेन कोर्सेज के वेटेज की तरह ही ट्रीट होगा, विच इज़ अ वेरी गुड मूव बिकॉज इट विल अलाइन स्टूडेंट्स टू गो इनटू दिस डायरेक्शन ऑल्सो। और वो हर हर एक को इंजीनियर बनना, हर एक को डॉक्टर बनना, हर एक को यू नो स्टीरियोटाइप जॉब करना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, इन पॉकेट से बच्चे बाहर आना शुरू होंगे और अपने इंटरेस्ट की चीज़ें जहाँ उनका टैलेंट है, जहाँ उनका उनकी इंक्लिनेशन है, जहाँ उनका पोटेंशियल है, उस डायरेक्शन में जाना शुरू होंगे, क्योंकि स्कूल में उनको राइट गाइडेंस मिलेगी जो अभी नहीं मिल रही है। अभी सिर्फ स्टूडियो टाइप चीज़ें होती हैं स्कूल में, तो बच्चा उसी के हिसाब से सोचता है, उसी के बाहर सोच ही नहीं पाता बच्चा। तो असेसमेंट भी ऐसा है कि एग्ज़ाम का प्रेशर करने का बच्चों पे प्लान है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बाकी कंट्रीज़ में इतना प्रेशर नहीं होता, सिर्फ जब वो हाई स्कूल में आते हैं लास्ट जो 4 साल का फेज़ है तब थोड़ा प्रेशर होता है, इन द सेंस कि वो भी ऐसा लगंदा वाला प्रेशर नहीं होता कि आप उन्हें कॉलेज लेना है तो अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करके अलाइनमेंट शुरू कर दो। लेकिन बाकी में अब प्रेशर का मतलब नहीं कि मौज मस्ती है कुछ, मतलब सीख नहीं रहे हैं, सिखाने में इंटरेस्ट है, लेकिन उनको एग्जाम में अच्छे नंबर लेना इज़ नॉट द क्राइटेरिया, इज़ नॉट द प्राइम फोकस कि अच्छे नंबर ही लेने हैं। तो ये मार्क्स होते नहीं है, ग्रेड्स ही होते हैं। तो यहाँ पे भी हम जो पॉलिसी में है कि स्ट्रेस बच्चों का पढ़ाई का कम करना है और उनको एप्लीकेशन बेस्ड इंटरेस्ट बेस्ड टीचिंग पे ज़्यादा जाना है। तो राउंड द ईयर असेसमेंट वाली बात हो रही है कि एग्ज़ाम बनाएंगे कुछ, जैसे आप अमेरिका में SAT एग्ज़ाम होता है, इस तरह के एग्ज़ाम वगैरह या और भी असेसमेंट होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि D-Day वाला एग्ज़ाम है कि आज इस दिन परफॉर्म करोगे तो यहाँ जाओगे। जैसे अभी भी हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल के इस तरह के एग्ज़ाम है, अभी डिटेल्स इसकी आएंगे अभी आई नहीं है, बट कॉन्सेप्ट है कि ये स्ट्रेस कम करना है बच्चों का, तो कोई असेसमेंट राउंड द ईयर होनी चाहिए। कि जैसे आप अगर अमेरिका में कॉलेज में एडमिशन जाना है तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम है कोई, हाँ SAT एग्ज़ाम है, उसका स्कोर होता है, उसकी एक मिनिमम इंपॉर्टेंस है, एक लिटिल बिट इंपॉर्टेंस है, मैं कहूँगा थोड़ी इंपॉर्टेंस है, विच इज़ वन पार्ट इन द होल होल गेम ऑफ द एडमिशन। बाकी 9th के, 10th के, 11th के मार्क्स क्या हैं, ग्रेड्स क्या हैं, टीचर की रिकमेंडेशन क्या है, तो कई कई चीज़ें होती हैं उनको मिला के वो असेस करते हैं कि बच्चे का मतलब कैसे पूरा 4 साल का जो लास्ट फेज है वो उसके बेसिस पे एडमिशन होता है। ऐसे नहीं है कि एक आपने एग्जाम देना है और उस एग्जाम में अगर आपकी तबीयत खराब हो गई, बीमार हो गए, स्ट्रेस्ड आउट हो गए, तो आपका करियर खराब होगा, आप नहीं कर पाएंगे D-Day वाला एग्जाम। तो इसमें अब क्या चेंजेस आएंगे, स्पेशली जो इंजीनियरिंग कॉलेज के एग्जाम देंगे उनके क्या चेंजेस आएंगे, और चेंजेस आने में टाइम भी लगेगा अभी, तो आप जो 2022 की बात कर रहे हैं, बट इट विल नथिंग इज सर्टेन अबाउट दैट कि क्या चेंजेस आएंगे। तो गाइज ये मेरा ब्रीफ था कि जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या मतलब पॉलिसी, किस तरह से चेंजेस लाने का प्लान है, सिस्टम को कैसे अलाइन करने का प्लान है, मैंने ब्रीफ आपको बताया है। और चीज़ें अच्छे के लिए हो रही हैं, बेटरमेंट के लिए हो रही हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड साइन जो
पहले होना चाहिए था, नहीं हुआ, अब हो रहा है, बट इट्स इन अ गोइंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। तो मैं कोई भी चेंजेस आएंगे, कुछ भी इंफॉर्मेशन यू नो डिटेल में आएगी, तो मैं आपसे बात करता रहूँगा, चेंजेस आपको बताता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर यू नो गोइंग थ्रू दिस वीडियो।